दिनांक 1 मई 2019 बुधवार, मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्रम न्यूज चैनल में। मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें जो कि निकल कर रही है 1 मई 2019 बुधवार से। तो क्या कुछ खबरें निकल कर रही है जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों बनाया से मौका शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में MP परिवहन ऐप डाउनलोड करें और जिससे ड्राइविंग लाइसेंस RD किसी भी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है ये योजना। अब आपको अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट और ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखने की ज़रूरत नहीं होगी। चेकिंग के दौरान आपको केवल मोबाइल दिखाना होगा। जी हाँ, अब एम परिवहन मोबाइल ऐप में आपकी गाड़ी के सभी दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस की संभाल कर रखेंगे। मोबाइल ऐप में QR कोड दिया होगा जिसे स्कैन करते ही पुलिस पूरे दस्तावेज देख सकती है। सरकार अधिसूचना जारी कर चुकी है। इसके तहत पुलिस और RTO की चेकिंग के दौरान मान्य होगा। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने एम परिवहन ऐप तैयार किया है। पूरे देश में मान्य होगा एम परिवहन ऐप। तो आपको बता दें दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस को पूरा देश में कहीं भी अभी ले जाने पर दिखाए सकते हैं। एम परिवहन ऐप एप्लीकेशन है जिसके क्विक रिस्पॉन्स कोड पर प्रपत्रों और लाइसेंस का नंबर फीड होगा। इसके बाद गाड़ी के कागजात संबंधित सभी वितरण ऑनलाइन स्क्रीन नज़र आएगी। ऐसे करें डाउनलोड। दोस्तों आपको बता दें इस ऐप को डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी डायरेक्ट लिंक आप गूगल प्ले से जाकर निकाल सकते हैं। इसमें आपकी गाड़ी का नंबर डालें, आपको मोबाइल स्क्रीन पर गाड़ी की पूरी जानकारी आ जाएगी। इसमें पंजीकृत करियन की ऑप्शन होगा। इसमें गाड़ी का इंजन और चेसिस नंबर के अंतिम 4 अंक डालने होंगे। इसके बाद QR कोड जनरेट हो जाएगा। पंजीकरण नवीनीकरण का अलर्ट। अब ड्राइविंग लाइसेंस या फिर गाड़ी पंजीयन नवीनीकरण की तारीखों के बारे में SMS के जरिए जानकारी मिलेगी। जिस तारीख पर आपका लाइसेंस या फिर वाहन का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा होगा उससे 7 दिन पहले आपके पास एक SMS पहुंच जाएगा। ऐप के फायदे। दोस्तों आपको बता दें कि चोरी हुई या दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की पूरी जानकारी मिलेगी। कार का पंजीकरण सत्यापन किया जा सकता है। यदि पुराने वाहन खरीदते हैं तो उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ किसी भी प्रकार की शिकायत की जा सकती है, नज़दीकी या RTO ऑफिस पता कर सकते हैं। ये सब इनके तमाम सुविधाएँ मिल सकती हैं। आइए बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की जो कि निकल कर रही है ग्वालियर सनराइज लोन स्कैम। मध्य प्रदेश वित्त निगम के GM कॉप्से SGM दुबे के खिलाफ मामला दर्ज। दोस्तों आपको बता दें सनराइज फ्लेक्सी पैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लोन घोटाला सामने में मामले में EOW ने कंपनी के डायरेक्टर के अलावा मध्य प्रदेश वित्त निगम के महाप्रबंधक RS कापसे डिप्टी जनरल मैनेजर अनिल दुबे के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। आरोपियों में से RS कापसे का निधन हो चुका है और EOW को राहुल श्रीवास्तव एवं राजेश सोलंकी द्वारा वर्ष 2009 में लिखित शिकायत कर बताया गया था कि 2003 और 2004 में मेसर्स सनराइजर्स फ्लेक्सीपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 30 लाख का अतिरिक्त ऋण फर्जी बिलों के आधार पर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के अधिकारियों से साठ गांठ करके लिया गया था, जिसके चलते अतिरिक्त भुगतान स्वीकृत कर शासन को 30 लाख की आर्थिक क्षति पहुंची थी। शिकायत की जांच के आधार पर यह बात सामने आई कि मालनपुर की फार्म ने वित्त निगम के अधिकारियों से साठ गांठ कर 30 लाख का भुगतान स्वीकृत कराया है, यानी लोन घोटाला हुआ है, जिसके बाद सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की जो कि निकल के आ रही है भोपाल इलेक्शन से RSS का दिग्विजय सिंह पर निर्णायक हमले का प्लान तैयार। भगवा होगा भोपाल। दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भोपाल लोकसभा सीट को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। RSS ने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर निर्णायक हमले की तैयारी कर ली है। आने वाले दिनों में पूरे भारत को भगवा करने की रणनीति बनाई गई है। देश भर से NABVP कार्यकर्ताओं के अलावा सनी देओल सहित भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक और विहिप के संतों की सैकड़ों मंडलियां भोपाल में भाजपा के लिए वोट मांगेगी। बताया जा रहा है कि देश भर के अखिल भारतीय विद्यार्थी कार्यकर्ताओं और साधु संत चुनाव प्रचार के लिए 6 से 7 मई तक भोपाल पहुंच जाएंगे। स्थानीय भाजपा नेताओं की ना पुकार के बाद
आरएसएस के जहां अपने तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, संघ के नेता अपने तरीके से हर बूथ का फीडबैक ले रहे हैं। संदिग्ध भाजपा नेताओं के साथ आरएसएस कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है ताकि उन्हें विनम्रतापूर्वक घर से निकलने के लिए बाध्य किया जा सके। स्वयंसेवक सारा दिन भाजपा नेताओं के साथ रहेंगे और एबीवीपी व आरएसएस की महिला कार्यकर्ताओं डोर टू डोर संपर्क करेंगी। भोपाल से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर ने लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम किया है। उनका पूरा देश में इस संगठन से जुड़े लोगों से तगड़ा नेटवर्क है, इसलिए प्रज्ञा ठाकुर के लिए देश भर से प्रचार करने कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। इसमें महिलाओं की संख्या भी काफ़ी है। वे ये महिला कार्यकर्ता भोपाल के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल में घर घर जाकर महिलाओं से मिलेंगी और उन्हें प्रज्ञा ठाकुर को वोट देने की अपील करेंगी। योगी आदित्यनाथ, सनी देओल, अमित शाह सहित मंत्रियों की फौज नुक्कड़ सभाएं लेंगी। प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव प्रचार के लिए 2 मई को पहले दौर में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भोपाल में कई जगह बैठकें लेंगी। 5 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भोपाल आएंगे। पार्टी उनका पुराने भोपाल में रोड शो या सोमवार और या सोमवारा में सभा करा सकती हैं। 8 मई को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भोपाल आएंगे और 9 मई को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमैया रमण और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु प्रचार करने आ सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में भोपाल में कई अलग अलग तारीखों में कई रोड शो करेंगे और 10 मई को भोपाल में चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसमें पहले यहां फिल्म अभिनेता और गुरदासपुर से भाजपा प्रत्याशी सनी देओल, हेमा मालिनी और अन्य फिल्म सितारे प्रचार करने आएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर की जो कि निकल के आ रही है मध्य प्रदेश IAS अधिकारियों के नवीन पद स्थापना, प्रमोशन, रिटायरमेंट। दोस्तों आपको बता दें, राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री PC मीना और श्री अक्षय कुमार सिंह की नवीन पद स्थापना की है। श्री PC मीना अध्यक्ष प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश को वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासनिक विभाग और मानव अधिकार प्रकोष्ठ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उप सचिव मंत्रालय श्री अक्षय कुमार सिंह की सेवाएं परिवहन विभाग को सौंपते हुए उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा प्रबंधन संचालक मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम पदस्थ किया गया है। अपर मुख्य सचिव श्री विनोद सेमवाल, सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासनिक विभाग श्री विनोद सेमवाल को आज सेवानिवृत्त होने पर मंत्रालय में विदाई दी गई। विदाई समारोह में 1985 वर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री सेमवाल ने अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर मुख्य सचिव कार्मिक श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने कहा है कि श्री सेमवाल से के सहज सरल और मार्गदर्शी व्यवहार ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निरंतर बेहतर कार्य के लिए प्रेरित किया है। श्रीमती शमी ने श्री सेमवाल के स्वस्थ और सुखद जीवन की कामना की है। इसी अवसर पर सामान्य प्रशासनिक विभाग के समस्त अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। श्री अनुराग जैन, पदोन्नत राज्य प्रशासन ने भी अनुराग जैन प्रमुख सचिव वित्त विभाग तथा विशेष आयुक्त समन्वय मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली को प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत किया है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पांचवी और अंतिम बड़ी खबर के बारे में जो कि निकल कर रिटायरमेंट के बाद रिकवरी करने वालों को जेल भेजा जाएगा। यह आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। दोस्तों आपको बता दें, उज्जैन सरकारी डॉक्टर्स से भी इससे की जा रही 4 स्तरीय वेतनमान की रिकवरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद रिकवरी की प्रक्रिया को कोर्ट ने स्थगित करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद भी यदि कोई रिकवरी कर रहा है तो उस अधिकारी को जेल भेज दिया जाएगा। अब प्रकरण में फाइनल बहस 29 जुलाई 2019 को होगी। मामला क्या है, डॉक्टर्स को पहले मध्य प्रदेश ने 4 स्तरीय वेतनमान दिया और फिर रिकवरी निकाल दी, जिसके विरुद्ध डॉक्टर्स व मध्य प्रदेश चिकित्सक अधिकारी संघ जबलपुर हाई कोर्ट पहुंच गया था, जहां से सिंगल बेंच ने आदेश जारी किया है कि डॉक्टर्स से गलत तरीके से रिकवरी की जा रही है, जिसके तत्काल बंद किया जाए। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन जबलपुर हाई कोर्ट की अपील डबल बेंच में गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने रिकवरी को चालू रखने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के खिलाफ डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जहां से डॉक्टर से हो रही रिकवरी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और प्रशासन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा था।
26 अप्रैल को उच्च न्यायालय नई दिल्ली में प्रकरण में सुनवाई हुई, जिसमें चिकित्सकों को की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया व प्रशांत शुक्ला ने पक्ष रखते हुए कहा है कि रोग के बावजूद डॉक्टर्स ओर से रिकवरी की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन ने 10 सप्ताह तक की भी नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए उन्हें और समय देना अनुचित है। फाइनल हेयरिंग की जाए, माननीय न्यायालय ने शासकीय अधिवक्ता को बहस करने के लिए कहा तो उन्होंने तैयारी नहीं होने की बात कहते हुए अगली तारीख मांगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि प्रशासन के शासन में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों को बता दो कि डॉक्टर से तत्काल रिकवरी बंद करें, अन्यथा जेल में डाल दिए जाएंगे। चिकित्सकों के अधिवक्ताओं के प्रदेश प्रशासन के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का नोटिस भी जारी किया गया है। दर्शकों, इस प्रकार के वीडियो हम आपको बताया मध्य प्रदेश की आज की 1 मई 2019 बुधवार की आज की बड़ी खबरें। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। तो आज के वीडियो में बताएं, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।